खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। इस वक्त में हम खुदावंद के पाकलाम में से कुजात की किताब के पहले और दूसरे अबवाब का मुताला अपने लिए करें। इन अबवाब के अंदर बनी यहूदा को केनानियों पर पहला हमला करने का हुक्म, फरिश्ते का बनी इसराइल को मलामत करना, यशुआ की वफ़ात, बनी इसराइल का इन्हिराफ, उनकी केनानियों को मुल्क से निकालने की गफलत, इन बातों का ज़िक्र मिलता है। लेकिन इस वक्त में खसूसियत से हम कुजात की किताब के पहले बाब की 9वीं आयत के चंद हिस्सों पर गौर करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदा यहूदा के साथ था, सो उसने कोहस्तानियों को निकाल दिया, पर वादी के बाशिंदों को निकाल ना सका, क्योंकि उसके पास लोहे के रथ थे। आमीन। यशुआ की वफात के बाद खुदा ने केनानियों से जंग करने के लिए यहूदा के कबीले को चुना, मगर उनमें यशुआ जैसा ईमान ना था। खुदा ने फरमाया था कि जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को जाए और रथों और अपने से बड़ी फौज को देखे तो उनसे डर ना जाना, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया तेरे साथ है। असशना की किताब की 20वें बाब की पहली आयत में हम इस बात का जिक्र मिलता है। यशुआ की क्यादत तले बनी इसराइल ने अपने दुश्मनों को, जो बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले, शिकस्त दी, मगर बनी यहूदा घोड़ों और रथों को देखकर घबरा गए और उन्होंने खुदा के कलाम पर यकीन ना रखा। उस वक्त से उनका रूहानी जवाल शुरू हो गया और आखिरकार ये नौबत आई कि वो लोग खुदावंद को छोड़कर बाल और अस्तरात की परस्तिश करने लगे। मसीहों की रूहानी कमज़ोरी अक्सर खुदा के कलाम से ना आशना होने का नतीजा होती है। उन्होंने ना इस किताब को अपनाया है और ना ही इसकी तहकीक की है, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ने और इस पर अमल करने से ईमान बढ़ता है और यूं ये हमें खुदावन के किए गए वादों का हकदार बनाता है। बस जब उस आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। इब्रानियों का खत, उसका 4वां बाब और 1वीं आयत में ये लिखा है। जो ख़ास सब हमें आज के मुताला में मिलता है वो ये कि बतौर मसीही ईमान और रोज़ाना की कुव्वत का सरचश्मा हमें सिर्फ़ खुदा के ज़िंदा कलाम को, उसकी आवाज़ को मानना चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी में बरकत और तरक्की की राह पर होंगे। खुदावंद के वादे जब हम उनको सुनेंगे, खुदावंद के वादे जब हम उन पर गौर करेंगे तो हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होगा। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।